गुड मॉर्निंग। आइए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है आज उस टॉपिक में डिस्कशन होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। आइए डिस्कशन करते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। चलिए शेड्यूलिंग क्राइटेरिया शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज डिस्कशन करने के बाद शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आफ्टर दिस स्टार्ट करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कवर करते हैं इसमें वो है सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन जो हमेशा इंक्रीज रहना चाहिए। ऊपर का एरो बताता है इंक्रीज, कम नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन। और दूसरा है, चलिए इसी में इसको डिस्कशन करते हैं पहले कि सीपी यूटिलाइजेशन क्या होता है। दूसरा है आपका वेटिंग टाइम, ये हमेशा कम होना चाहिए। फिर आपका तीसरा है रिस्पांस टाइम, ये भी कम होना चाहिए। फिर चौथा है टर्न अराउंड टाइम, ये भी आपका कम होना चाहिए। लास्ट में है थ्रूपुट, ये आपका हाई होना चाहिए। तो ये पांच कंटेंट हम देखेंगे यहाँ पे, पांच टॉपिक्स को कवर करना है, समझना है। तो सीपी यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है? सपोज करो आपके पास ये सीपी है और हमारे पास कोई प्रोसेस पड़ी हुई है रेडी क्यू में, P1, P2, P3, P4। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि रेडी क्यू से सीपीयू तक हमारे प्रोसेस को कौन शेड्यूल करता है, SCS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मान लीजिए कोई प्रोसेस सीपीयू के पास आता है, मान लीजिए P1 आया एग्जीक्यूट होने के लिए, एक प्रोसेस शेड्यूल हो गया, तो हम क्या देखते हैं उसमें, उस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ P1 और इसके बाद तुरंत सीपीयू ने उसको
बाहर किया, बाहर कर दिया और उस जगह दूसरा प्रोसेस आ गया P2। इसके बाद जब P1 को बाहर किया, यानी कि P1 का काम खत्म नहीं हुआ था, वो बाहर हो गया, तो यहां पर क्या है ना कि P1 आपका कॉन्टेक्ट स्विच हो गया, नया प्रोसेस आया, डजंट मैटर कितना टाइम C2 ने P1 को दिया या P1 कितना काम खत्म किया, वो से हम काउंट करेंगे और कितनी देर तक कॉन्टेक्ट स्विच के बाद वो अपने PCB में चला गया, कहीं हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, तो कितना टाइम तक वो वेट करता रहा, तो उस टाइम को हम कंसीडर नहीं कर सकते, वो कंसीडरेबल नहीं है। हम यूटिलाइजेशन में क्या देखते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस जो है बहुत ही कम समय में टर्मिनेट हो जाता, दैट इज द यूटिलाइजेशन, दैट इज अ CPU यूटिलाइजेशन। का मतलब ये कि आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर ले, जैसे इसकी रेंज होती है 0 से 100% बेसिकली, अगर 80 और 90 तक भी आपका रेशियो आ रहा है तो भी ये कंसीडरेबल है, हम कहेंगे अच्छा CPU यूटिलाइज हुआ। तो दिस आर्किटेक्चर नोन एज अ कंसेप्ट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेटिंग टाइम से क्या मतलब। देखिए वेटिंग टाइम से मतलब है कि सपोज करो ये मैं एक गैंट चार्ट बना दिया हूं, अभी मैं बताऊंगा बाद में इसके बाद को हम गैंट चार्ट क्यों बनाते हैं, क्या कारण है। ओके, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा गैंट चार्ट का। गैंट चार्ट में मैं क्या देखता हूं, सपोज करो आपके पास प्रोसेसेस हैं क्यू में P1, P2, P3, P4, ये प्रोसेस रेडी क्यू में पड़ी हुई। अब वो ये जो P1 है ये 5 सेकंड पे रेडी क्यू में आ गया, 5 सेकंड पे आया ये, और P1 को टोटल टाइम कितना लगेगा एग्जीक्यूट होने में, वो लगेगा जाके, हाँ जी 25 सेकंड लगेगा, सॉरी 15 सेकंड लगेगा ये अपना काम खत्म कर लेगा, यानी 15 सेकंड तक इसको CPU चाहिए और लगातार मिलता है तो अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, रुक रुक के मिलेगा तो कम यूटिलाइजेशन CPU कर पाए। तो सपोज करो P1 यहां पर आया, मान लो P1 10 सेकंड पे मिला, यानी कि P1 को CPU 10 सेकंड पे मिला, यानी 10 सेकंड के बाद मिला और ये 15 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर से CPU ने इसको बाहर करके P2 को, P1 को क्या किया कॉन्टेक्स्ट स्विच करके P2 को शेड्यूल कर दिया। अब P2 को जब तक शेड्यूल किया तब तक क्या करेगा, ये वेट करेगा, इसने वेट किया, हाँ जी हो गए यहां पे, फिर 20 सेकेंड पे, यानी अगले 20 सेकेंड पे फिर P1 को मिल गया चांस, तो P1 चला मान लीजिए 35 सेकेंड के बाद फिर से एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, तब तक ये क्या किया वेट किया, और इसको प्राप्त हुआ 30 सेकंड पे P1 आया, काम खत्म किया अपना, हो गया ना 15, 5 यहां पे हो गया था, 5 यहां पे हो गया था, 5 यहां, 15 सेकंड इसको मिल गया। अच्छा अब वेटिंग टाइम अपन को कंसीडर करना, तो देखिए 10 सेकंड पे मिला था ना, तो 10 से 15 इसको मिल गया, 10 सेकंड पे मिला, और ये जो 5 है ना इसको बोलते हैं हम अराइवल टाइम, क्या बोलते हैं अराइवल टाइम, या इसी को बोलते हैं सब मिशन टाइम। इसको 10 सेकंड पे P1 मिला, 5 सेकंड पे आ गया था सर, क्या तो बोलते हैं 5 सेकंड को अराइवल टाइम, अराइवल टाइम रेडी क्यू में आने वाला। अच्छा मतलब कितनी देर में पहुंचा, नहीं नहीं नहीं
अराइवल मतलब हुआ कितने सेकंड पहुंचा, अराइवल टाइम है 5 सेकंड का अराइवल टाइम, आने का टाइम, आने का टाइम क्या है 5 सेकंड, ट्रेन 10:15 पे आ गई तो 10:15 क्या हुआ, अराइवल टाइम हुआ ना उसका, तो अराइवल टाइम 5 सेकंड पे आया था ना, अब मिलाकर इसको 10 सेकंड पे इसको सीट को खाली मिला, तो 10 माइनस क्या होगा 5, एक तो ये कंसीडर होगा, होगा प्लस यस सर 15 से 20 तक नहीं 10, हाँ ये हो गया, अब 15 सेकंड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको मिल गया था, पहले 10 से 5 क्यों बढ़ाया हमने, क्योंकि 5 सेकंड इसने ऑलरेडी शुरू में वेट किया, वेट किया बैठा रहा, फिर 10 से 15 इसमें हम नहीं जोड़ेंगे कुछ क्योंकि इसमें सीपी उसको मिला हुआ, 15 से 20, तो 15 से 20 बोलेंगे तो 20 माइनस 15 कितना हुआ 5, यहां भी 5 सेकंड वेट किया ना उसने, किया फिर क्या आएगा, बेसिकली आपका जो है ओके, फिर 25 से 30, 20 से 25 में भी देखिए इसने क्या किया, इसको मिल गया, फिर 25 और 30 के बीच में देखो, यहां भी उसने 5 सेकंड वेट किया ना, तो 5 सेकंड वेट किया तो वो अब आपको क्या आएगा, कम मिला इसको 25 मिला ना, 25 माइनस 25 सेकंड में इसको सीपीयू मिल गया, सॉरी इससे सीपीयू ले लिया गया, हट गया 25 सेकंड तक, तो रहा 25 सेकंड फिर इसको सीपीयू मिला, तो आप क्या कहोगे कितना बचा आपका वेटिंग टाइम को निकालने का तरीका यही है कि पहले तो 10 में 5 मैंने इसलिए घटा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में 10 में 5 घटाया तो 5 सेकंड इसका वेटिंग टाइम ये रहा, फिर इसके बाद मैंने 20 में 15 घटाया तो 5 ये रहा, यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस 25, 5 सेकंड ये रहा, फिर बाकी कंप्लीट हो गया, तो इसका जो वेटिंग टाइम रहा टोटल वेटिंग टाइम अगर देखो तो कितना रहा 15 सेकंड इसने वेट किया, वेट किया भाई 15 सेकंड उसको वेट करना पड़ा ना अलग अलग टाइम पे, तो ये चीजें इस तरह यहां पर कंसीडर हो गई वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने देख लिया, ठीक है, तो ये था वेटिंग टाइम कैसे निकालते, वैसे तरीका इसका और भी है वेटिंग टाइम निकालने का, मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो सवाल लगाऊंगा तो डायरेक्टली आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हो, तो ये था आपका वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम हम सब देखते हैं, देखिए रिस्पांस टाइम का मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए रिस्पांस टाइम तो आपका ये कहलाया, रिस्पांस का मतलब ये हुआ कि P1 को रिस्पांस कब मिला, आप ये देखोगे ना P1 को कब रिस्पांस दिया गया, 10 सेकंड में रिस्पांस मिला उसको, तो उस तरह अगर देखें तो रिस्पांस टाइम बेसिकली ये होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए रिस्पांस टाइम कि 10 में 5 घटाओ, मतलब कि 5 सेकंड बाद उसको रिस्पांस मिल गया, तो रिस्पांस टाइम में वो कंसीडर होता है। अगर मैं बात करूं टर्न अराउंड टाइम, तो वैसे तो फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का, कंप्लीशन टाइम माइनस के अराइवल टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम कब रहा उसमें आप अराइवल टाइम घटा दीजिए, तो कंप्लीशन टाइम हम देखते हैं बेसिकली, कंप्लीशन टाइम यानी कि वो प्रोसेस कब कंप्लीट हुई ये हम देखते हैं, तो अगर देखा जाए तो 35 में कंप्लीट हुई, अराइवल टाइम क्या रहा 5, तो कितना बचेगा 30, इसका आपका P1 का क्या बचेगा 30, टर्न अराउंड टाइम रहा 30, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं निकाल सकते हैं। और यदि हम थ्रूपुट की बात करें तो देखिए थ्रूपुट में क्या देखते हैं कि थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, ये हम कहेंगे थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट में हम इस तरह सोचे थ्रूपुट को कि बहुत सारे प्रोसेस हैं आपके P1, P2, P3,
तो अब हम थ्रूपुट क्या चेक करते हैं, ये हम देखते हैं जैसे कोई प्रोसेस P1 है तो पर सेकेंड ब्लर हो चुका है सर। हेलो, ब्लर हो गया, ब्लर फिर से अब हुआ ना ब्लर, तो काम खत्म हो गया ना। बाद में जब तू YouTube पे देखोगे ना इसको, अच्छा। सही दिखाई देता, मैं चेक किया हूँ। हाँ सर, मतलब ऐसे ऐसे देखने में ब्लर होता है। हाँ वो अभी तो दिखेगा ना, ऐसे देखने ब्लर दिख रहा होगा, वो तो दिखेगा ही। हमें भी देखते हैं बहुत सारे वीडियोस, हम लोग भी देखते हैं यूट्यूब में, तो हमको भी दिखाई देते हैं, वो होता है नॉर्मली। लेकिन आज जब यूट्यूब पे देखते हो अपलोड वीडियो तो आपको ना मिलता होगा। एनीवे मैं बात कर रहा था थ्रूपुट की। तो थ्रूपुट में हम यही देखते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोसेस, मान लो 10 प्रोसेस है या 20 प्रोसेस है, वो पर यूनिट टाइम में आपके एग्जीक्यूट हो गए, वो थ्रूपुट कहला गया। बात समझ में आ रही है कि मान लीजिए 4 प्रोसेस आपके मेन मेमोरी थे, चारों प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट का टाइम लगना था, 2 मिनट में कंप्लीट हो गए, या उस 2 मिनट में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, मैक्सिमम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, या नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम जितना आपने डिसाइड किया, तो वो कहलाएगा थ्रूपुट। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें मैंने आपको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में बताई, पांचों चीजें, ये अपनी अपनी जगह में एक जस्ट एक आपको मुझे बताना था कैसे, मतलब ये चीजें हमने बताया था कि आपको समझ में आए, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा वो चालू होगा शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में आपको एल्गोरिथम बताई जाएगा, एक एक करके एल्गोरिथम, वो मैं इसको यहाँ पेंट में बताऊंगा आपको। तो एल्गोरिथम को आपको बारी बारी से समझना होगा, एक एक करके समझना होगा एल्गोरिथम को, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एल्गोरिथम पे। अब एक चीज और होता है एल्गोरिथम को शुरू करने से पहले, एक होता है शेड्यूलिंग पॉलिसी। देखिए दो तरह की शेड्यूलिंग पॉलिसी होती, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव, एक होती है प्रीएम्प्टिव। जो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, जिसको नहीं पता समझे, जो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है उसका मतलब होता है कि प्रोसेस जो है एक बार अगर सीपीयू को मिला, प्रोसेस जो है एक बार सीपीयू को मिला तो जैसे कोई जैसे सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये प्रोसेस पड़ी है बहुत सारी, P1 है या P2 है, ये P3 है, ये P1 है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सीपीयू चाहती है एग्जीक्यूट होने के लिए। सपोज करो P1 आपका सीपीयू मिल गया P1 को, तो अब इस P1 को, ये जो P1 है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक प्रियम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन प्रियम्प्शन मोड में है, ये जो पॉलिसी है नॉन प्रियम्प्टिव। ये प्रोसेस क्या करेगा, अपना काम खत्म करेगा, बाहर हो जाएगा, यानी किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं आया। हाँ, पर एक चीज और मैं बता दूं, ये जो इंटरप्ट आया करता है ना, इंटरप्ट, देखिए इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे अपने ही बनाए हुए रूल तोड़ देता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंटरप्ट को हैंडल करेगा, वो इंटरप्ट किसी एरर के रूप में हो सकती है, या किसी वायरस की वजह से सिस्टम की मेमोरी जो है लॉस होती चली जा रही है, या कुछ कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई BIP आपका इंटरप्ट या रिक्वायरमेंट आ जाए, तो वहां पर भी वो मोड वर्क नहीं करते। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन प्रीएम्प्शन मोड का सीधा मतलब है कि एक बार अगर सीपीयू को प्रोसेस मिली तो वो उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद बाहर फेंक दे।
हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है कि हमने कोई टाइम क्वांटम दे रखा है या हमने कोई प्रायोरिटी दे रखी है, इट इज इंटरप्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे इस बेस पे। और दूसरी पॉलिसी है, इसी में देखिए कि मान लीजिए प्रियम्पशन मोड में है, तो प्रियम्पशन मोड में क्या होता है कि सपोज करो पी वन आया, तो ओएस जो है कोई ऐसी इंटरप्ट सिचुएशन पे या प्रायोरिटी बेस पे किसी भी प्रोसेस को प्रियम्प्ट कर सकता है, बाहर कर सकता है सीपीयू से प्रियम्प्शन पॉलिसी के तहत, और दूसरे प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। जैसे अमूमन ऐसा होता है कि सपोज करो बहुत सारे प्रोसेस आपके पास पड़े हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं P1, P2, P3, हम देखें सबको बारी बारी। अब इसका जो है प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी आपकी 2 है, इसकी प्रायोरिटी आपकी 3 है, और मैं कंडीशन लगा दूं थोड़ी देर के लिए, कोई कंडीशन ना दूं, अभी ना दूं, ये इनका टाइम है। तो मान लो पहले P1 लग गया, अब P1 जो है एग्जीक्यूट हो रहा है उसी टाइम पे इंटरप्ट आ गया OS के पास या इंटरप्ट जनरेट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जिसके द्वारा आपका इंटरप्ट आया उसको तुरंत शेड्यूल करेगा, इसको बाहर कर देगा, सीधा सीधा बाहर करेगा। अब ये इंटरप्ट के बेस पे क्या ऐसा लेकर आया है, ऐसा कौन सा सोर्स या ब्रह्मास्त्र ये लाया जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको शेड्यूल करने में मजबूर हो गए। तो लाइव एग्जाम्पल देखो, सपोज करो आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में गए जहां पर EMR सिस्टम है, जहां पर जैसे मान लो रेजेंसी में गए कानपुर में, और आपको किसी डॉक्टर्स को दिखाना है, तो वहां पे क्या होता है जो पर्चा कटता है ना उसमें टाइम शेड्यूल होता है, टाइम मैनेजमेंट देखते हैं। सपोज करो कि डॉक्टर्स की टाइमिंग 9 से 11 है, समझिए पहले वो 9 से 11 बैठेगी, ये उसकी टाइमिंग है। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर 9 बजे आ जाना, अब जाने वाला टाइम 11 है मान लो, पेशेंट ज्यादा है तो हो सकता है वो 1 बजे जाए, ये डॉक्टर जानता है, ये बात का चक्कर हो गया। आने का टाइम 9 हो गया, अराइवल टाइम 9 है, अब वो 9 के बाद 9:10 पे भी आ सकता है, 9:15 भी आ सकता है, तो वो अपना बाद में कवर कर दिया। लेकिन आप मरीज लोग क्या करते हैं कि 8 बजे से लाइन लगाते हैं, एक बंदा 8 बजे आया पर्चे कट के लगा दिया उसने, एक बंदा आया 8:05 में, दूसरा बंदा जो 5 मिनट पे आया पर्चा कटा उठ गया, उसके ऊपर लगा के उसके नीचे पर्चा लगा दिया, सर उसके ऊपर पर्चा लगा दिया, ये सोच करके उसे देखा नहीं है मेरा नंबर पहले आया है, ऐसा नहीं होता है, उसको नहीं पता। तो जो बंदा बैठा रहेगा वो क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग सबको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेगा, बना लेगा और इसी शेड्यूल में भेजेगा। पर इन केस प्रियम्पशन दो तरह के आते हैं, सपोज करो कि जो 8 बजे वाला बंदा है डॉक्टर आया तो इसको पहले भेजा जाएगा ना, ये उस कॉल में नहीं है, उस कॉल में नहीं है, और उसी टाइम पे कोई VIP कॉल आ गई कि डॉक्टर से बोलो पहले इनको देखें, VIP कॉल आई है, इमरजेंसी नहीं बोला मैंने, VIP कॉल आई है। अगर इमरजेंसी होगी तो वो सारे पेशेंट को इंटरप्ट करके प्रियम्प्ट करके पहले इमरजेंसी में हैंडल करेगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन OS के साथ होती है। और अगर कोई VIP आ जाता है तो थोड़ा सा VIP को रोक सकता है, या फिर जैसे ये बंदा था ये नहीं आया, इसने क्या किया इसको भेजना चाहिए, इसको ना भेज के उस टाइम पे VIP को दिखा दे, तो ऐसी सिचुएशन मिलती है। अब मान लो सपोज करो VIP थोड़ा सा और लेट हो जाता, ये देख रहा होता, तो बाकी के जो इनकमिंग पेशेंट्स हैं जिनकी टाइम शेड्यूल बना हुआ उनकी जगह ये VIP को दिखा दे, किसी एक को स्विच करके थोड़ी देर के रोक कर वेट करा कर। तो सबसे अच्छा होता है वेट करना, और उससे अच्छा होता है वेट कराना। हम वेट करा के VIPs को प्रायोरिटी बेस व्यक्तियों को या हम हैंडल करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इन सब चीजों को कोई मायने नहीं होता।
इमरजेंसी में तो हम सख्त वेट करा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले इमरजेंसी हैंडल करूंगा, इसके बाद मैं अब बाकी की ओपीडी अपनी देखूंगा, ऐसा सोच के लोग करते हैं। तो ओएस में जितना कुछ पढ़ेगा प्रोसेस मैनेजमेंट सारा कुछ आपके रियल लाइफ से कहीं ना कहीं मैच करेगा, बट मैच कराने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, आप कैसे मैच करा सकते हैं। तो जब कभी किसी हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो वो टाइमिंग के आधार पर ही परचेस शुरू कर दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो टाइमिंग के आधार पर मैं बताऊंगा बात, यहाँ पर क्या है कि नॉन प्रियम्प्शन मोड में करते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉन प्रियम्प्शन भी है, जो मरीज अंदर है अपने टाइम के अनुसार, अब बीच में कोई वीआईपी आ जाए, हाँ बीच में कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो वो उस मरीज को देखते हुए मरीज को भी छोड़ के यहाँ पे इसको हैंडल कर ले, ये तो इंटरप्ट हो, पर कोई वीआईपी आ जाए और वो सोचे मुझे दिखाना है तो उस टाइम पे, अब वीआईपी में देखा जाएगा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वीआईपी में क्या देखेगा, देखिए इंटरप्ट यानी इमरजेंसी हो गई तो हो सकता है इसको उस मरीज के बाद दिखा दे, पर उस मरीज को छोड़ के नहीं देखेगा। है कि नहीं, काम खत्म करेगा देखेगा, ऐसा नहीं। हाँ ये हो सकता है कि हो सकता है पहले मरीज पे ज्यादा समय लग रहा हो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हो सकता है उसको वहां पे वो प्रियम्प्ट करें, इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको हैंडल कर, ये सिचुएशन बनती है। यही सिचुएशन ओएस के साथ भी देखते हैं कि कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में और अचानक कोई प्रायोरिटी आ गई, अगर प्रियंसन मोड में है वो, तो प्रियंसन पॉलिसी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको छोड़ के वो उसको हैंडल करेगा। तो ये था शेड्यूलिंग पॉलिसी। तो कल नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, कुछ पूछना हो तो पहले। क्लियर है सर? ओके।